हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं कि जुलाई मंथ में हमने किस किस सर्विस में कितना काम किया था और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कमीशन मिला है। गाइस, आज के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पीएनबी क्योस पोर्टल पे किस किस सर्विस में ज़्यादा काम करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं पीएनबी वीसी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं पीएनबी क्योस पोर्टल पे किस किस सर्विस का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ। तो मेरे जो कमीशन में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है ट्रांजेक्शन का। तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन की ही बात करता हूँ कि मैं किस किस तरीके का ट्रांजेक्शन अपने पीएनबी क्योस पोर्टल से करता हूँ। तो गाइस, मेरी माने तो मैं जो पीएनबी क्योस पोर्टल में जो ट्रांजेक्शन होता है वो एपीएस ट्रांजेक्शन ज़्यादा करता हूँ, जैसे कि एपीएस यानी कि आधार के थ्रू कैश विड्रा और कैश डिपॉजिट हो गया, और थर्ड पार्टी डिपॉजिट और फंड ट्रांसफ़र। यही चार तरीके का मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ अपने पीएनबी क्योस पोर्टल से, जिसमें कि सबसे पहले स्थान पर जो मेरा आता है वो होता है एपीएस कैश विड्रा यानी कि आधार के थ्रू पैसे की निकासी, वो मैं करता हूँ पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा। और दूसरे स्थान पे मैं करता हूँ थर्ड पार्टी डिपॉजिट, समझ गए ना, जो अकाउंट के थ्रू होता है, अकाउंट नंबर जब कोई कस्टमर लेके आता है तो उसके थ्रू पैसे की जमा जो होता है वो मैं दूसरे स्थान पे करता हूँ। और तीसरे स्थान पे मैं करता हूँ एपीएस कैश डिपॉजिट यानी कि आधार कार्ड के थ्रू पैसे का जमा। ठीक है, इसको मैंने तीसरे स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि जब आप पीएनबी क्यूस पोर्टल में देखेंगे तो एपीएस कैश विड्रा और एपीएस कैश डिपॉजिट दोनों का स्थान पास में ही है। और कभी कभी क्या होता है गाइस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो कैश विड्रॉ की जगह अगर कैश डिपॉजिट पे आपका माउस क्लिक हो गया तो आपका पैसा निकलने की जगह पैसा जमा हो जाता है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पे आपका डबल लॉस हो जाएगा। एक तो आप कस्टमर को कैश पैसा देंगे और उसके खाते में जमा भी कर रहे हैं, जहाँ की पैसा आपको निकालना है, अगर थोड़ा सा भी आप गलती करते हैं तो वहाँ पर पैसा निकलने की जगह कस्टमर के खाते में पैसा जमा हो जाता है और उसको कैश भी देते हैं, यानी कि दो लॉस हो जाता है आपका। इसलिए मैं कैश डिपॉजिट जो होता है आधार कार्ड के थ्रू बहुत ही कम करता हूँ, अकाउंट के थ्रू ज़्यादा करता हूँ। जब कस्टमर पासबुक भूल जाता है या कस्टमर को अकाउंट नंबर नहीं याद होते हैं तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि एपीएस कैश डिपॉजिट करता हूँ यानी कि आधार कार्ड के थ्रू पैसे की जमा करता हूँ, समझ गए। और इस तरीके से क्या होता है कि गलती के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अकाउंट बेस्ड डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे आपसे गलती बहुत कम होंगे, और अगर आप आधार बेस्ड डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपसे गलती हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर जो करता हूँ वो थर्ड पार्टी डिपॉजिट ज़्यादा करता हूँ, और तीसरे स्थान पर मैं करता हूँ जो वो कैश डिपॉजिट जो होता है वो आधार कार्ड के थ्रू करता हूँ। ठीक है, और चौथे स्थान पर फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ जो कि बहुत ही कम करता हूँ, रेयर केस में जब दो कस्टमर अगर आते हैं तभी करता हूँ, ऐसा नहीं कि इनका पैसा उनके मैसेज नहीं करता हूँ, एकदम जेन्युइन तरीके का जो ट्रांजेक्शन करता हूँ वही करता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन मैं अपने पोर्टल से करता हूँ यही चार तरीके का ट्रांजेक्शन करता हूँ। पहला, सबसे पहला जो मैं करता हूँ कैश विड्रा आधार के थ्रू, और थर्ड पार्टी डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू, और कैश डिपॉजिट आपका आधार के थ्रू करता हूँ, और फंड ट्रांसफ़र आधार टू आधार करता हूँ। ठीक है, मैं अपने पीएनबी क्योस पोर्टल से न ही आरटीजीएस करता हूँ, न ही नेफ्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पे अभी एक्टिवेट नहीं ये सर्विस है, और ना ही एटीएम से कैश विड्रॉ करता हूँ क्योंकि एटीएम सर्विस भी मेरे पीएनबी क्योस पोर्टल पे अभी चालू नहीं है। तो इसलिए ना ही मैं एटीएम से ट्रांजेक्शन कर पाता हूँ, ना ही आरटीजीएस नेफ्ट करता हूँ। तो इन सब का जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे कमीशन में ऐड नहीं होता है, बस केवल वही चार तरीके के जो ट्रांजेक्शन वही ऐड होते हैं जिससे मेरा कमीशन मंथली बनता है। ठीक है, तो ये मेरे ट्रांजेक्शन हो गए। अब बात करते हैं अपने अकाउंट ओपनिंग की। तो अकाउंट ओपनिंग को मैंने दूसरे स्थान पर रखा है, और अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज जो मेरा अकाउंट ओपनिंग है वो 40 से 80 के बीच में रहता है, किसी मंथ 50, किसी में 60, किसी में 70, ऐसे अकाउंट ओपन होते हैं मेरे, जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। तो मैंने अकाउंट ओपनिंग का जो रखा है वो 40 से 80 के बीच में रेशियो रखा है। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग जो मेरे हैं वो 40 से 80 के बीच में हो जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही ठाक है। ठीक है, और बाद बाकी की बात की जाए जो तीसरे स्थान मैंने रखा है, तो तीसरे स्थान पे जो मैंने रखा है वो पीएनबी क्योस पोर्टल की जो बाकी सर्विस है, जैसे कि आपका सोशल सिक्योरिटी हो गया, पासबुक प्रिंटिंग हो गया, आरडी एफडी हो गया, एटीएम अप्लाई, चेकबुक अप्लाई, आधार सीडिंग, ये सब जो सर्विस है वो उसको मैंने तीसरे स्थान पे रखा है, और इन सब का भी मेरे कमीशन में एक अच्छा खासा रोल होता है। तो गाइस, पीएनबी क्योस पोर्टल पे बस मैं इतना ही सर्विस अभी यूज कर पा रहा हूँ जिससे मेरा मंथली कमीशन बनता है। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं कि हमने जुलाई मंथ में किस किस सर्विस में कितना काम किया था और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कमीशन मिला था। तो गाइस, सबसे पहले बात की जाए तो जुलाई मंथ जो अपना था वो 31 दिनों का था, और 31 दिनों में हमने मात्र 27 दिन ही काम किया था, और बाकी के संडे वगैरह को हमने अपना सेंटर क्लोज किया था। तो 31 दिनों में मात्र हमने 27 दिन सेंटर ओपन किया था, जिसमें अगर अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए तो अकाउंट ओपनिंग हमने मात्र 42 अकाउंट ओपन किए थे जुलाई मंथ में, और अगर ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो टोटल ट्रांजेक्शन हमने 1163 ट्रांजेक्शन किए थे टोटल ट्रांजेक्शन।
जिसमें कि आपका कैश डिपॉजिट भी था और कैश विड्रा भी था, फंड ट्रांसफ़र भी था, सभी जो ट्रांजेक्शन थे वो काउंट उसमें थे 1163 में ही। अगर टोटल विड्रा अमाउंट की बात की जाए तो टोटल विड्रा अमाउंट हमने 25,56,576 रुपये का हमने ट्रांजेक्शन किया था। टोटल विड्रा अमाउंट जो बात की जाए तो वो 25,56,576 रुपये का हमने टोटल विड्रा किया था। और टोटल डिपॉजिट अमाउंट की बात की जाए, यानी कि डिपॉजिट में हमारा दोनों आ जाएगा, थर्ड पार्टी डिपॉजिट और आपका APS डिपॉजिट जो होता है, यानी कि अकाउंट के थ्रू जो डिपॉजिट है और आधार कार्ड के थ्रू जो डिपॉजिट है, दोनों का जो डिपॉजिट हमारा है वो 27,26,479 रुपये का हुआ था। कितना? 27,26,479 रुपये का हमने डिपॉजिट किया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल जो हमारा कैश विड्रा और कैश डिपॉजिट है वो 52,83,055 रुपये का हुआ था। कितने का? 52,83,055 रुपये का हमने ट्रांजेक्शन अपने PNB क्योस्क पोर्टल से जुलाई मंथ में किया था। और उसके अकॉर्डिंग अगर कमीशन की बात की जाए तो वो हमारा था 14,920 रुपये। 14,920 रुपये का कमीशन हमें जुलाई मंथ में मिला इस मंथ, और जो कि हमारे इन सभी काम के अकॉर्डिंग था। तो मेरे हिसाब से गाइस जो कमीशन मिला है वो बहुत ही सही है। ये कमीशन मेरा 15,000 प्लस होता है, लेकिन क्या करा जाए, एक दिन क्या हुआ कि सर्वर सही नहीं था जुलाई मंथ में, जिसकी वजह से मेरा कमीशन जो है वो 15,000 में अटक गया, 80 रुपये कम ही है। तो 14,920 रुपये मिला है, ठीक है, जिसमें कि 80 रुपये कम है 15,000 में। वो इसीलिए कम है कि एक दिन सर्वर नहीं चला था, जिसकी वजह से उस दिन ट्रांजेक्शन बहुत ही नाममात्र हुए थे, जिसकी वजह से ये 15,000 पूरा नहीं हो पाया था। नहीं तो मेरे कमीशन की बात की जाए तो जो मेरा एवरेज कमीशन रहता है वो जनरली 15,000 से 19,000 के बीच में रहता है मेरे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। तो गाइस मेरा मानना, अगर आप 1,000 ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो आपका 10,000 कमीशन आने से कोई नहीं रुकेगा। अगर आप 2,000 ट्रांजेक्शन करते हैं मंथली तो आपका 20,000 आना ही आना है। अगर आप 3,000 ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी डेली 100 ट्रांजेक्शन डेली करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मंथली 3,000 ट्रांजेक्शन होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका कमीशन बनेगा वो 30,000 प्लस ही बनेगा, क्योंकि आप इस बीच अकाउंट ओपन करेंगे, RD करेंगे, FD करेंगे, आधार सीडिंग करेंगे, पासबुक प्रिंटिंग करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसका भी कमीशन बनता रहता है। तो आप अगर महीने का अगर मान के चलिए अगर 1,000 करते हैं तो 10,000 कहीं नहीं जाएगा, अगर 2,000 करते हैं तो 20,000 आपका आना ही आना कमीशन है, और अगर 3,000 करते हैं ट्रांजेक्शन तो 30,000 आपके बनने ही बनने हैं। तो गाइस आपको फोकस रखना है मैक्सिमम अकाउंट ओपनिंग का और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का, क्योंकि जब आपके अकाउंट ओपन होंगे तो उसी से आपका कस्टमर बेस बनेगा, और जब वही कस्टमर आपके पास दोबारा आएंगे पैसा जमा निकासी से तो आपके ट्रांजेक्शन होंगे, जिसका आपको कमीशन रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमने आपको जुलाई मंथ के काम के बारे में बताया कि हमने किस किस सर्विस में कितना काम किया था और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कमीशन मिला है। अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से हम उसका रिप्लाई दे देंगे। तो गाइस सो आई होप आज के वीडियो को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो में कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।